अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास, आज हमारा आठवां लेक्चर है। हमने नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में हमने कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, यानी कोई भी फंक्शन जो होगा किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी कंडीशन है कि हम फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को पुट करें, वो डिफाइन होना चाहिए यानी कोई ना कोई वैल्यू रखे, अनडिफाइन इन्फिनिटी ना हो जाए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रखनी चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होनी चाहिए लिमिट की। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वो जो फंक्शन डिफाइन हो और वो जो लिमिट एग्जिस्ट करें वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है इसकी थर्ड कंडीशन है, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दैट मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोगों को डेफिनेशन का पहले से पता है। फिर क्या है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि अगर ऊपर में तीनों कंडीशन में से कोई एक भी वियोलेट हो जाए, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, या हमारे पास फंक्शन के वैल्यू पुट करने के बाद एफ ऑफ सी के बराबर ना आए, या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या कोई फंक्शन डिफाइन ही ना हो, तो वो क्या होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, यानी कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। क्वेश्चन वन है डिटरमाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। हमने क्या करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी जो भी पॉइंट हमें बताया जाएगा उस पर हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आवर एक्स माइनस थ्री के बराबर है, और सी किसके बराबर है, सी पॉइंट दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री के बराबर है। यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है, और लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, c इज इक्वल टू माइनस थ्री पे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस सी, यानी हम माइनस थ्री को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से, यानी माइनस थ्री को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस वाली साइड से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू सी के ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। इसी तरह जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं माइनस थ्री सी को, तो हम क्या करते हैं, सी के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। वो क्या बताता है कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, और नेगेटिव क्या बताता है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की नेगेटिव। ये क्या बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी क्या है हमारे पास माइनस थ्री, सी के ऊपर क्या आ गया माइनस का साइन, यानी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, यानी फंक्शन को पुट कर दिया। इसका मतलब जस्ट ये है कि हम लेफ्ट साइड से सी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं लिमिट पुट करते हैं, हम लिमिट को ही पुट करते हैं, यानी जो पॉइंट होगा हम उसी को ही पुट करेंगे, ये नहीं होगा कि हम उसको माइनस को पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, सी माइनस थ्री था, तो हमने सी को ही पुट करना था किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस के थ्री का स्क्वायर माइनस का नाइन माइनस थ्री माइनस, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस थ्री पुट कर दिया। मुझे सिंप्लीफाई किया, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन आ गया, नाइन माइनस नाइन पावर माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, हम पॉइंट को पॉजिटिव साइड से यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस साइड राइट साइड पर हम, ठीक है। फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट कर लिया, यानी एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री, यानी हमने पॉइंट सी पुट किया जब फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और अगर हम पॉइंट को वैसे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं यानी x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा बाय लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, या वैसे ही पुट करके देख ले फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फाइव का मॉड, मॉड फंक्शन आ गया। मॉड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, और c पॉइंट कौन सा बताया, c इज इक्वल टू फाइव के बराबर है। मॉड फंक्शन के हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि मॉड फंक्शन अगर हमारे पास पॉइंट क्या हो, लेस देन जीरो हो,